जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झांक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झांक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है। मैं चुनौती देता हूं हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अब देखिए, जब यहां उनकी नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए, अब जम्मू कश्मीर में उनके झूठे वादे भ्रम की मायाजाल नहीं चल पा रही है, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। जिस राज्य में जाते हैं वहां भी बोलते हैं तुम्हारे राज्य को क्या लाभ हुआ, तुम्हारे राज्य को क्या लाभ हुआ। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है वो जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो। तरस रही थी, ये उनका भाई, ये उनका बेटा, उन्होंने उनके हक वापस दिए हैं। जरा कांग्रेस के लोगों, जरा देश भर के दलित नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, यहां के हमारे दलित भाई बहन, हमारे वाल्मीकि भाई बहन देश आजाद हुए तब से परेशानी झेल रहे थे, जरा आकर के उन वाल्मीकि भाई बहनों से पूछो, गड्डा ब्राह्मण से पूछो, कोली से पूछो, और पहाड़ी परिवार हो, मचैल माता की भूमि में रहने वाले मेरे पटरी साथी हो। अब हर किसी को संविधान में मिले अधिकार मिलने लगे हैं। अब हमारे फौजियों की वीर माताओं को चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि पत्थरबाजी नहीं होती है। इतना ही नहीं, घाटी की वो माताएं मुझे आशीर्वाद देती हैं, उनको चिंता रहती थी कि बेटा अगर दो चार दिन दिखाई न दे
तो उनको लगता था कहीं गलत हाथों में तो नहीं फंस गया है। आज कश्मीर घाटी की हर माता चैन की नींद सोती है, क्योंकि अब उनका बच्चा बर्बाद होने से बच रहा है। साथियों, अब स्कूल नहीं जलाए जाते बल्कि स्कूल सजाए जाते हैं। अब यहां एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, अब आधुनिक टनल, आधुनिक और चौड़ी सड़कें, शानदार रेल्स का सफर जम्मू कश्मीर की तकदीर बन रही है। जम्मू हो या कश्मीर, अब रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने लगे हैं। ये सपना यहां की अनेक पीढ़ियों ने देखा है और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल आपके नाम।